हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल वैसे ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, एसएसबी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन के बार ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुका है दोस्तों आज से। तो दोस्तों देख सकते हो 20 मई 2000 मतलब आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 18 मई 2023 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट फॉर्म का, मैं इस वीडियो में अभी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ लाइक को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, ट्रेडमैन एंड असिस्टेंट साफ इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट फॉर्म तक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। आई बटन में आप लोग को जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में आप लोग को मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। वीडियो देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और दूसरा वीडियो देने की कोई जरूरत भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो बिना टाइमर्स करके चलो आगे बढ़ते, लेट्स गेट स्टार्ट है। तो दोस्तों, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप लोग को पहुंच जाओगे। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सिंपली से अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो पहले आप लोग को रजिस्टर करना होगा दोस्तों, सिंपली से रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से फॉर्म खुल के आ जाएगा। ये आप लोग को वन बाय वन करके आप लोग को सारी फिलअप करना होगा दोस्तों। तो कैसे फिलअप करना है मैं आप लोग को बताऊंगा, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, देखते रहना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आ जाएगा। इसलिए क्योंकि अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग को ज्ञान से देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते चलो आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग को पोस्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से इस पर आपका पोस्ट सेलेक्ट कर देना। तो चलो, मेरे हिसाब से मैं पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो, इसमें मैंने पोस्ट सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। आपको भी आपको हिसाब से इस पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर देना दोस्तों। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से इस पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद इस तरफ से नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना थोड़ा सा, इस पर आपका फर्स्ट नेम डाल देना, अगर मिडिल नेम है तो डाल देना, अदरवाइज कर सकते हो। उसके बाद इस पर लास्ट नेम डाल देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इस पर आपका फादर नेम डाल देना, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना। इस कैलेंडर ऊपर क्लिक करके जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल, आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर देना। तो चलो, मेरा मेल है। उसके बाद नेशनलिटी आपको पता ही होगा दोस्तों, इंडियन होगा, इंडियन सेलेक्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद आपका रिलीजियन सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, रिलीजियन, आपका जाति धर्म क्या है आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मेरिट है, अनमेरिट, आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर देना। तो चलो, मैं अनमेरिट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अनमेरिट हूँ। उसके बाद आपका कैटेगोरी क्या है, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, इस पर देने को मिलेगा। जनरल, ओबीसी और एमओबीसी, एससी एसटी देने को मिलेगा। तो चलो, मैं एसटी हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप लोग को देने को मिलेगा। देयर विल बी रिलैक्सेशन इन एज फॉर 5 इयर्स, एज रिलैक्सेशन आप लोग को देने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें फीचर्स दिया गया दोस्तों, वीदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गारकावलीस के कुमानियोस गारखास दगन माराथास में अगर बिलोंग करते हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना दोस्तों। इसमें ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है सही नो ही होगा दोस्तों। मैं आप लोग को इसमें वन बाय वन बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा, इसमें जो लोग एक्स सर्विस में, इसमें बोला गया जो लोग वीदर एंड एक्स सर्विस में, अगर एक्स सर्विस में है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें फिर से बोला गया ये भी नो होगा, आपका क्रिमिनल के बारे में इसमें पूछा गया है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इसमें भी नो कर देना दोस्तों। ये सब आप लोग को नो ही कर देना है। उसके बाद दोस्तों, इस पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों। आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों, आइडेंटिटी प्रूफ इस पर देने को मिलेगा। बहुत सारा आइडेंटिटी प्रूफ देने को मिलेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आईडी कार्ड, जो भी आप लोग को आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलो, मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। जो भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट करोगे इस पर आइडेंटिटी प्रूफ का आईडी का नंबर इस पर डाल देना दोस्तों। उसके बाद इस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब आप लोग को पता होगा दोस्तों, आपका बॉडी में काटा होता है क्या, स्पॉट है, जो भी मॉल है, आपको भी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, अदरवाइज आपका अगर नील भी डाल सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद इस पर मोबाइल नंबर डाल देना, उसका ईमेल आईडी नंबर डाल देना। दोस्तों मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों बताना चाहूंगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप लोग को एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी डालना जरूरी है, क्योंकि एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी पर सारा पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन आईडी उन लोग सेंड कर दिया जाता है। इसलिए आप लोग को एक्टिव मोबाइल नंबर एंड एक्टिव ईमेल आईडी डालना जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इस पर क्वालिफिकेशन का डिटेल इस पर आप लोग को डालना होगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन का डिटेल क्लास 10 का, इस पर स्कूल कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम डाल सकते हो। उसके बाद इसका क्लास 10 कौन सा ईयर में हमने पास किया डाल देना, उसके बाद इस पर क्लास 10 का रोल नंबर डाल देना, उसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। दोस्तों उसके बाद क्लास 10 में आपने मार्कशीट में देने को मिलेगा, कब आपका डॉक्यूमेंट इशू किया इस पर देने को मिलेगा, इस पर फिलअप कर देना, कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इस पर आपका सब्जेक्ट, क्लास 10 में आपका सब्जेक्ट क्या क्या है इस पर आप लोग को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद इस पर आपका परसेंटेज भी सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों उसके बाद इस पर क्लास ट्वेल्व डिटेल आप लोग को भर देना। दोस्तों उसके बाद एग्जाम आपका क्लास 12 में इसका कौन सा बोर्ड में पास किया, स्कूल कॉलेज का नाम डाल सकते हो। उसके बाद कौन सा ईयर में हमने क्लास 12 पास किया इस पर डाल देना, क्लास 12 का रोल नंबर डाल देना, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। दोस्तों उसके बाद कब आपने क्लास 12 का सर्टिफिकेट इशू किया इस पर डाल देना। दोस्तों उसके बाद इस पर आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों इसमें दोस्तों देख सकते हैं एनी सब्जेक्ट साइन और इक्विवेलेंट, आप लोग को साइन, आप लोग को साइन और इक्विवेलेंट आप लोग को ऊपर वाला सेलेक्ट कर देना। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आप लोग को दोस्तों देख सकते हो एग्री है आपका परसेंटेज, आप लोग को इस पर डाल देना। दोस्तों तो सारी फिलअप करने के बाद सिंपली से आप लोग को नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। दोस्तों और दोस्तों इस बार डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल आपको आपका क्वालिफिकेशन है तो इस पर आप लोग को डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये पोस्ट के लिए आप लोग को क्लास 12 पास तक आप लोग लिया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस पर आप लोग को डाल सकते हो सेम इसी तरह। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे फिलअप करना है। तो चलो दोस्तों आपको भी आपके हिसाब से फिलअप कर देना, तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया। दोस्तों आपको भी आपके हिसाब से सारी फिलअप कर देना। दोस्तों सारी फिलअप करने के बाद सिंपली से आप लोग को नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से पूछा जाएगा, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों तो दोस्तों जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो अभी एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अभी डालना होगा। दोस्तों तो दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ, दोस्तों इस पर आपका विलेज का नाम डाल देना, उसके बाद इस पर पोस्ट ऑफिस, इस पर आपका तहसील, उसके बाद इस पर आपका पुलिस स्टेशन, उसके बाद इस पर आपका स्टेट, आपका इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों तो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना। दोस्तों चलो बोलो, चलो मैंने असम से हूँ, असम सेलेक्ट करने के बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट करीमगंज से मैंने सेलेक्ट कर दिया। दोस्तों उसके बाद आपका एरिया का पिन कोड नंबर इस पर डाल देना। दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली से यस बटन पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली इस पर फिलअप हो जाएगा। दोस्तों अदरवाइज आप लोग को नो कर देना, अलग अलग से आप लोग को परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस से आप लोग को फिलअप कर देना। दोस्तों तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो दोस्तों इसमें आप लोग को फिर से पूछा जाएगा, एफ हैव यू एवर बीन देवर बाय यूपीएससी एसएससी और एसपीएससी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड अपीयरिंग इन एनी एग्जाम है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। दोस्तों ये आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नो ही होगा। दोस्तों इस पर आप लोग को पूछा जाएगा क्रिमिनल प्रोसेस के बारे में, अगर आपके पास ऊपर में आपका ऊपर में क्रिमिनल केस है तो आपका पेंडिंग में जो भी केस है तो आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। आप लोग को यस करोगी तो आप लोग को एलिजिबल नहीं होगा होगा, इसलिए आप लोग को नो सारी आप लोग को सब आप लोग को नो कर देना। दोस्तों इसका ऊपर भी आप लोग को नो कर देना। दोस्तों अगर नो यस करोगे तो आप लोग को अप्लाई में एलिजिबल नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद दोस्तों इस पर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा, दोबारा से आप लोग को पासवर्ड क्रिएट कर लेना। उसके बाद इस पर आप लोग को टिक मार्क कर देना। दोस्तों सिंपली से इस तरफ से आप लोग को टिक मार्क कर देना। दोस्तों पासवर्ड आप लोग को मिनिमम आप लोग को सिर्फ आप लोग को 6 कैरेक्टर आप लोग को क्रिएट कर लेना और दोबारा से कंफर्म कर देना। दोस्तों तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो चलो दोस्तों आपको भी आपके हिसाब से सारे फिलअप कर देना, तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने पासवर्ड भी मैंने क्रिएट कर लिया। दोस्तों फाइनली दोस्तों देख सकते हो फाइनली पासवर्ड क्रिएट करके दोनों में टिक मार्क कर दिया। दोस्तों उसके बाद सिंपली से प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो ये फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना, जो भी अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। दोस्तों तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटक से अच्छा से देख लेता हूँ, आपको भी आपके हिसाब से अच्छा से देख लेना। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से पूरा देख लिया, पूरा सही है। दोस्तों अगर जो भी गलत है एडिट करना चाहते हो तो दोस्तों सिंपली से एडिट डिटेल बटन पर क्लिक करके जो भी गलत है एडिट कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद इस बटन पर सिंपली से टिक मार्क कर देना। दोस्तों इस तरफ से आप लोग को दोनों में टिक मार्क कर देना। दोस्तों उसके बाद ये आपको कैप्चा देख रहे हो, दोस्तों सिंपली से इस पर फिलअप कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों कैप्चा भी। उसके बाद सिंपली से आप लोग को सबमिट एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों
इस तरफ से जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से पूछा जाएगा, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना, फिर से आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली कंप्लीटेड हो चुका है दोस्तों। अभी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना हो दोस्तों, फोटो देख सकते हो ऊपर भी SMS आ चुका है, तो फाइनली हो चुका है दोस्तों। अभी सिर्फ फोटो एंड सिग्नेचर बाकी अपलोड करने के लिए। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड दोस्तों देख सकते हो 6 मंथ से ज़्यादा अपलोड करना नहीं करना चाहिए आप लोगों, अच्छा क्वालिटी अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इसमें साफ साफ बता गया है दोस्तों। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका फोटो एंड सिग्नेचर बना के रखा है तो दोस्तों आपको भी आपके हिसाब से फोटो एंड सिग्नेचर सेलेक्ट कर देना दोस्तों। तो चलो मेरा हिसाब से मेरा फोटो चलो मैं फटाक से दोस्तों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने फोटो सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, फाइनली मेरा फोटो आ चुका है दोस्तों। सेम इसी तरफ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से चूज फाइल बटन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका सिग्नेचर बना के रखा है तो आपको भी आपके हिसाब से आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर देना। तो चलो मेरा हिसाब से मेरा सिग्नेचर फटक में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। देख सकते हो फाइनली दोस्तों मेरा फोटो एंड सिग्नेचर फाइनली अपलोडेड हो चुका है दोस्तों। उसके बाद सिंपली से आप लोग को क्या करना होगा दोस्तों, प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू प्रोफेशनल रजिस्ट्रार फाइनली हो चुका है। तो प्रिंट फॉर्म लेने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों, देख सकते हो प्रिंट एक्नॉलेजमेंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। उसके बाद जहाँ पे आपका प्रिंट फॉर्म सेव करना चाहते हो तो दोस्तों सेव कर लेना। तो चलो दोस्तों आपको भी आपके हिसाब से जहाँ पे सेव करना चाहते हो तो सेव कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, वीडियो जरूर अच्छा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में इस चैनल में आप लोग को सारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि ये वीडियो देने के बाद उनको भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस चैनल में मैं आप लोग को सारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर।